हाय गाइस, आई जस्ट एडवाइज द स्टूडेंट के एमबी कॉलेज ले लो जो तुम्हारे घर के पास हो. एंड आई कुड फील फ्रॉम हिज वॉइस, उसे बोला नहीं बट मुझे लगा कि वो थोड़ा होगा कि यार ये कैसा एडवाइस हुआ जो घर के पास है एमबी कॉलेज ले लो. एंड वीडियो में तो सर आप आईएमएस और जेबी जाने को बोलते हो और नाउ यू आर टेलिंग मी टू टेक द कॉलेज विच इज नियर टू माई होम. सी, इफ यू आर अ 99% टाइलर देन ऑब्वियसली मेक सेंस टू टॉक अबाउट जेबी सिडनम और आईएमएस और एसपीजे एंड दिस एंड दैट. बट इफ आर 82% टाइलर देन वी डोंट हैव अ चॉइस, देन जो कॉलेज मिल रहा है वो लेना पड़ेगा. एंड इफ आई लुक एट 82% टाइल इन कैट और सीटी, इफ सीटी इफ आई टॉक अबाउट द रेंज ऑफ कॉलेज विच आर देयर, फॉर एग्जाम्पल यू विल बी गेटिंग रैंक 25 टू रैंक 50 बेस्ट कॉलेजेस, और उन सब में सब कुछ सेम है यार. सबका प्लेसमेंट इज ऑलमोस्ट सेम, सबका एवरेज पैकेज इज ऑलमोस्ट सेम, सबका फैकल्टी इज ऑलमोस्ट सेम, सबका फीस इज ऑलमोस्ट सेम, देट डजंट मेक अ डिफरेंस. नाउ दैट्स व्हाई आई रिकमेंडेड अ कॉलेज जो तुम्हारे घर के पास हो. सपोज यू लिव इन साउथ बॉम्बे, साउथ बॉम्बे से रोज थाने ट्रैवल करना मेक नो सेंस, उससे अच्छा यू कैन टेक अ कॉलेज इन वर्ली और द अदर. या सेम इफ फ्रॉम बोरीवली, डजंट मेक सेंस टू ट्रैवल टू न्यू बॉम्बे फॉर अ कॉलेज, जो आपके घर के आजू बाजू है वो ले लो बिकॉज प्लेसमेंट सेम है. आर यू गेटिंग मी? इफ यू हैव अ चॉइस बिटवीन सिडनम एंड लेट्स से अलके दिनेश मोदी, सो ऑब्वियसली यू बी स्टूपिड इनफ टू कॉल मी एंड आस्क सिडनम लूँ के ना लूँ. तो ऑब्वियसली बेटा सिडनम लेना ही है, चाहे दूर क्यों ना जाना पड़े. या इवन इफ यू आर बेस्ड इन नागपुर इट मेक्स सेंस टू डू दैट, बट इफ यू आर ऑलरेडी बेस्ड इन मुंबई एंड गेटिंग अ सेम रैंक कॉलेज इट डजंट मेक अ डिफरेंस फॉर अ मुंबई स्टूडेंट. फॉर अ पुणे नागपुर बेस्ड स्टूडेंट दैट कॉल यू हैव टू टेक, आपको मुंबई शिफ्ट होना कि नहीं होना. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नागपुर के बच्चे की बात करो, सो नागपुर में आपको रामदेव बाबा, टुकाव जी महाराज एंड रसनी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा आराम से, 3 डिसेंट कॉलेजेस. बट फिर प्लेसमेंट के टाइम पे आके देर कुड बी अ प्रॉब्लम बिकॉज इट कैन बी अ प्रॉब्लम. सो इन दैट केस मुंबई आना मेक सेंस कि मैं अभी ही मुंबई आ जाता हूँ ताकि मेरे पास 2 साल का टाइम है टू गेट ए कस्टमाइज टू मुंबई पुणे का क्राउड एंड आई कैन गेट द टॉप जॉब फ्रॉम कैंपस. दैट मेक सेंस, फाइन. सो आंसर टू द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. अगर आपके पास चॉइस ज़्यादा नहीं है, सेम रैंक कॉलेजेस मिल रहे हैं, उनका रैंकिंग सेम है, उनका प्लेसमेंट सेम है, उनका फीस भी सेम है, फिर क्या क्या सोचना यार. फिर तो जो घर के पास है वो ले लो, राइट. फॉर एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बहुत है मेरे पास, टेंशन मत लो उसकी. अगर मैं एक दिल्ली का बच्चा हूँ और मुझे दिल्ली में भी कॉलेज लग रहा है और बैंगलोर में कॉलेज लग रहा है, तो भाई बैंगलोर क्यों जा रहे हो? अनलेस यू गोइंग टू आई एम बैंगलोर मेक सेंस. बट इफ आर गोइंग फॉर छोटा मोटा कॉलेज इन बैंगलोर, वही छोटा मोटा कॉलेज आपको दिल्ली में मिल रहा है, तो फिर वहाँ क्यों जाना है? अनलेस यू वॉन्ट टू मूव आउट. एंड आई नो मेनी स्टूडेंट के बाद सर घर से निकलना है, बहुत हो गया इन लोग की ना, इन लोग के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर लिया मैंने. हाँ, दो बात अलग है, फिर दैट्स अ डिफरेंट केस. या अदरवाइज प्लीज सेलेक्ट द कॉलेज विच इज नियर योर प्लेस सो दैट वी कैन टेक सेयर द ट्रेवल टाइम, वी कैन बी स्टे क्लोज टू होम, क्योंकि बाद में जॉब के लिए तो जहाँ जाना जाना ही पड़ेगा. All the best.